नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की कृतिका, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पाठ, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। इसमें सिक्किम गैंगटॉक का इतना खूबसूरती से वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी का भी मन मचल जाए कि वो सिक्किम देखने अवश्य जाए। यहाँ तक कि जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो अभी तक मैं सिक्किम नहीं गई हूँ, मेरा खुद का मन ऐसा करता है कि जैसे आज ही बस सिक्किम पहुंचा जाए। तो ये एक यात्रा वृतांत है, बहुत सुंदर यात्रा वृतांत है, जिसमें सिक्किम की खूबसूरती का वर्णन है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। वहां की थोड़ा संस्कृति की भी बात हुई है, तो आइए चलते हैं इस यात्रा वृतांत की ओर। लेखिका को गैंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे जमीन पर बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ बहुत सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दो प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। इसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रही हूं मैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन आंख खुलते ही वह बालकनी की ओर भागी। क्यों भागी? क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी यहाँ हल्के हल्के आसमान जो है बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे कि लगा कि फूलों में बहार आ गई है। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नारगे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी, क्या वहां बर्फ मिलेगी? युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी। पताकाएं मतलब छोटी छोटी झंडियां दिखाई दी। इसके बारे में नारगे ने बताया कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए घर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता और अपने आप ये धीरे धीरे नष्ट होती हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो यानी किसी की मृत्यु पर सफेद पताकाएं वो लगा देते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा मौका होता है तब वो रंगीन पताकाएं लगाते हैं। नारगे बोला जा रहा था, किंतु लेखिका नारगे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखी जा रही थी। उन्होंने ऐसी ही दलाई लामा की तस्वीरें वहां प्रत्येक दुकानों में भी लगी हुई देखी थी। रास्ते में कवि लोंग स्टॉप पड़ा, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी वहां स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया गया। आगे बढ़े तो रास्ते में कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया गया, और बताया गया कि ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आपने देखा होगा जो मोनेस्ट्री वगैरह आप जाते हैं, यहाँ देहरादून में भी बहुत बड़ी मोनेस्ट्री एक आता है, बहुत ही सुंदर है वो भी, और दिल्ली में भी है, तो उसमें वहां पे एक चक्र जैसे लगे होते हैं, वो उसको कहते हैं घुमाते जाओ। मार्केट भी है इधर एक भूटानी मार्केट करके, तो वो उस साइड पे भी आप देखते हो इस तरीके के जो महात्मा बुद्ध के स्थल है वहां पर घूमने वाले चक्र लगे होते हैं। धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों और यात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर संकरे रास्ते से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था मानो रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हो। हम किसी सघन हरियाली वाले गुफा के बीच हिचकोले खा रहे थे। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी, सारे दृश्य को मानो अपनी आंखों में अपने हृदय में भर लेना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई कभी पर्वतों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती हुई तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती। थोड़ा नाम याद रखना कि नदी कौन सी है, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के सौंदर्य की ओर देखती, कभी शिखरों के से गिरते हुए झरने, वॉटरफॉल, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे।
अब उसने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर की शिला पर बैठ बहती जलधारा में पांव डुबोया और अंदर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि इन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं खुद भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा जैसी बनकर बहने लगी हूं। तो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, मतलब कह रहे हैं कि जैसा भी हमारा जो तामसिक वो क्या होती है प्रवृत्ति, हमारे क्रोध, काम, ये सब ईर्ष्या, कह रहे सब बही जा रही थी उस पानी में। इतने में नारगे ठेलने लगा, अरे मैडम आगे चलो, इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अब आगे ले जा रहे। लेखिका अनमनी सी उठी। थोड़ी देर बाद वैसे ही नजारे, आत्मा और आंखों को सुकून देने वाले नजारे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था कि सतत प्रवाहमान झरने और नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवेती। यह देखकर लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूं। और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, उसको फिर से वो प्रार्थना कानों में गूंजने लगी। यकायक लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक गई, और ऐसी छिटक गई मानो नृत्यांगना के नुपुर टूट गए हो। उसने देखा पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। आटे जैसे, कह रहे जैसे गुथा हुआ आटा कोमल सा होता ना, ऐसी तो उनकी काया थी। हाथों में कुदाल और हथौड़े, इतने मतलब भारी भरकम हथियार। कईयों की पीठ पर बड़ी टोकरी, उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मतलब उनको बच्चा भी अपना पालना है और इसके अलावा उनको मजदूरी भी करना है, तो अरे दोनों चीजें एक साथ कर रही थी वो। वही खड़े जो बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, देखो जिन रास्तों से आप गुजरकर हिमशिखरों तक से टक्कर लेने जा रही हो ना, ये जो पहाड़ी ने है उन्हीं रास्तों को चौड़ा कर रही हैं, तो ये आप ही के लिए काम कर रही हैं। तो इसने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक काम होगा। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, पिछले महीने ही एक की जान चली गई, जरा सी चूक हो जाए और आप सीधा पाताल लोक में। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिसपे लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में इन लोगों ने मौत को ठुकराया है, यानी कितना लोग हैं जो इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। यह याद करके लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आई, वहां जहां उसने देखा था पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उसको याद आ गई। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथ में पड़ी कांटे, दोनों एक ही कहानी कहते हैं। आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। कल किसी किसी के पास इतना है कि वो सारा जीवन भोगे तो भी खत्म ना हो, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि उसको शाम के खाने का भी जुगाड़ करना पड़ता है, उसके लिए भी उसको श्रम करना पड़ता है। तो जीवन की तो ये ऐसी विडंबना है ही, ये तो सच है। मलाई एक तरफ में मतलब यही है कि किसी के पास इतना ज्यादा, किसी के पास बहुत ही कम। उन्हें गमगीन देखकर जितेंद्र नारगे बोले, अरे मैडम यह है मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्चे हैं। लेखिका मन ही मन सोच रही थी, देश की आम जनता नहीं है, जीवन का शायद संतुलन भी है, ये कितना कम लेकर समाज को कितना ज्यादा देते हैं। तभी लेखिका ने देखा विश्रम सुंदरियां किसी बात पे खिलखिला के हंसने लगी। बस उनकी खिलखिलाहट देखते ही लेखिका का मूड बदल गया, उसको लगा जैसे खंडर में ताजमहल बन गया। वो खुश हो गई कि अरे ऐसा भी नहीं है कि ये श्रम कर रही हैं तो ये बहुत दुखी हैं। हम लोगों को उनको देख के अजीब लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जो श्रम करने वाले लोग हैं वो बड़े दुखी ही दुखी हैं, और जो बिल्कुल श्रम नहीं कर रहे, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो सुखी ही सुखी है। शायद इसका सुख दुख का बहुत ज्यादा तो पैसे से लेना देना नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मनोवृत्ति भी है, एक मन की जो सुकून भी है, कि हो सकता है किसी बहुत पैसे वाले हमेशा परेशान रहता हो और किसी के पास कम है वो फिर भी खुश रहता हो। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नारगे बता रहा था। उसने कहा, यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी में पढ़ने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी माओं के साथ काम भी करते हैं।
आगे बढ़ और खतरा बढ़ता जा रहा था। रस्ते संकरे हो रहे थे, जगह जगह चेतावनियां भी लिखी थी। अब ये पहुंच गई लेखिका थोड़े दूर पे चलने के बाद चाय के बागानों में। सूरज झल रहा था, पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियां सिर पर भारी गट्ठा रखे हुए थी। आसमान बादलों से घिरा था। अब उतरती संध्या में जीप चाय के बागान से गुजर रही थी। अब इसने देखा चाय के भरे बागान में कई युवतियां सिक्किम परिधान धारण किए हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। उनका इतना सुंदर यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, डूबते सूरज की इंद्रधनुष की छटा को देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख उठी। युवतियों का इतना अधिक सौंदर्य उससे सहन नहीं हो रहा था। इतनी गोरी गोरी, इतनी प्यारी प्यारी युवतियां, और वो इतना परिश्रम करने, और परिश्रम करने से तो आप जानते ही हैं चेहरे की सुंदरता हमारे श्रम से और बढ़ जाती है। गगन चुंबी पहाड़ों के बीच, यानी आसमान को चूमने वाले पहाड़ों के बीच सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग, तिस्ता नदी के तट पर लकड़ी के बने घर में ठहरे ये लोग। अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के पत्थरों पर ये बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति थी, इनकी आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्ना सा बोधिसत्व जैसे उसके भीतर उगने लगा है, जैसे कोई पौधा उगने लगा है। वही सुख शांति है, सुकून है, जहां अखंडित संपूर्णता है। कह रहा मुझे लगता मैं कंप्लीट हो गई। मैं कैसे महसूस कर रही थी लेखिका करिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती। पेड़ पौधे पशु पक्षी और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अंधेरा होने पर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में हम रुके। रात गहराने लगी। जितेंद्र ने गाना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी सैलानी गोला घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी। तो लेखिका कह रही मैं तो उसको देख के हैरान ही रह गई। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किम युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल भी कम होने लगी है। 500 फीट ऊंचाइयों पर कटाव में आपको बर्फ मिल जाएगी। कटाव एक जगह का नाम है। कटाव की ओर सफर शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी थी, सांसें रुकी पड़ी थी। कटाव के करीब पहुंचे तो नारगे ने बताया कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ देखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, सब फोटो खींच रहे थे। लेखिका सोच रही थी शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे सुखिने संतु, सर्वे संतु निरामया, यानी इसका महामंत्र इन्होंने यही से पाया होगा। ऐसा सौंदर्य जिसे देख बड़ा से बड़ा अपराधी भी देख ले तो कह रहा है उसी वक्त वो करुणा का अवतार बन जाए, यानी महात्मा बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति ने भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, यानी जल को एकत्रित करने की। ये ईश्वर के जल संचय के जगाए हैं क्या, कि बर्फ बन गई फिर बर्फ से नीचे आ गई बारिश होके, बारिश से फिर वापस चली गई बादल बन के उड़ गए, फिर से उसने बर्फ बन गई। तो यार ये ऐसे जो जल चक्र चल रहा है। उसके बाद लेखिका ने कहा कि इस प्रकार इन नदियों का कितना उपकार है। अब ये आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौज की छावनियां दिखाई देने लगी जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। सोचिए कैसे हमारे जो सेना के जवान हैं वो किस प्रकार से हमारी सेवा करते हैं। एक सैनिक बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी इन बर्फीले इलाके में बैसाख के महीने में भी जब हम 5 मिनट में ठिठुरने लगे तो जो हमारे जवान कैसे पौष और माघ के महीने में जब यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ रह जाती है किस प्रकार से जवान पहरा देते होंगे। तो देखिए कितना हमारा जो कठिन काम हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं और हमें हमेशा सैनिकों का इस तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए।
ठीक है, आपके मन में भी सैनिकों के लिए आदर रहना चाहिए। कहीं भी आप उनको खड़े देखते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो, तो आपको उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देकर अपना आदर भाव जताना चाहिए। लायुंग से युमसांग की ओर बढ़े तो यहां एक नया आकर्षण था, ढेरों रूंडो ड्रेंडो और प्रियता के फूल। इन घाटियों के में बंदर भी दिखाई दिए। युमसांग पहुंचे, मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। यहां चिप्स बेचती हुई सिक्किम युवती ने इससे पूछा था, उसने पूछा इस युवती से, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूं। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहां पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिसे देखकर मणि ने बताया, कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो लेखिका ने हैरानी होकर पूछा, है क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जग जाता है? जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां देने लगा कि यहां गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे, यहां अमुक जगह देवी देवताओं का वास है, यहां जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम लोग पहाड़ नदी झरने आदि की पूजा करते हैं, हम लोग गैंगटोक नहीं गंगटोक कहते हैं। उसके बाद जितेन गंगटोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद किस प्रकार से कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं। तो अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त यानी कभी भी समाप्त न होने वाली खोज का नाम ही शायद सौंदर्य है। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सिक्किम के चप्पे चप्पे पर सुंदरता बिखरी हुई है। ठीक है, तो ये एक यात्रा वृतांत है, बहुत खूबसूरती से लेखिका ने एक एक शब्द को बयान किया है कि कोई भी किसी का भी मन करे कि वो आज ही जैसे सिक्किम होकर आए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं आपको मिलूंगी अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।